गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री यमुने महारानी की जय। भक्तजनों माताओं बहनों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के दूसरे दिन की और दूसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है और इसकी प्रत्येक दिन की अलग अलग कथा है। पहले दिन की कथा हमने आपको सुनाई, उसके बाद आगे की जो कथा है वह इस प्रकार आती है। सूत जी महाराज बोले कि राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्य पद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हुआ हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ हूँ। ऋषि बोले कि हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग करके भगवान कृष्ण द्वैपायन की प्रसाद से उनकी मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। हे सूत जी महाराज, आप लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को आप सुनाइए। सूत जी महाराज बोले कि विलोम यानी ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूं। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान है। मैं कहता हूं, एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर बहेड़ा आंवला बेल आमला अमड़ा कैथ जामुन कदम्बादी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी वहां पर निरंतर कल कल होकर के प्रवाहित हो रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान पर श्री नारद मुनि ने जाकर के महामुनि नारायण को प्रणाम किया और परब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है मन जिसका ऐसे जितेंद्रिय काम क्रोधादि क्षय शत्रुओं को जीते हुए हैं, निर्मल चमक रही है अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो, है सत्य योने, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा के लिए स्थापित किया गया है।
यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी पाप में डूब जाती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी का उद्धार हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सत्ययुग आदि जैसे मैं एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति को हटा करके कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है और अन्य पापों से लिप्त नहीं हो पाते हैं। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने भी प्राणी हैं, सब विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा हुआ चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार करके कहने के योग्य है। आपसे जो मैं ज्ञान वर्धक जो है यह विषय सुनना चाहता हूँ। आपके श्री मुख से मेरी सुनने की इच्छा है और इसी इच्छा से मैं ब्रह्म लोक से आपके पास में आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसे वेदों में निश्चित है, इसलिए लोकों के उपकार के लिए आप कथा का सार इस समय मुझे सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर के भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा का आरंभ करते हैं। श्री नारायण बोले कि गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आनंद बिहारी, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। हे नारद, आप सुनिए। जो निमेश मात्र सबका कल्याण करने वाले, जगत के उत्पन्न करने वाले और अनेक कर्मों को हे वत्स, इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता है, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता, जीवन के संकट तथा गरीबी को नाश करने वाला है, जीवन के समस्त जो है संकटों को हरण करने वाला है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम महात्म्य को सुनता है, उसके जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म आदर से कहते हैं, यह पुरुषोत्तम महात्म सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और यह पुरुषोत्तम मास यश का दाता है, सतपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका श्रवण करना चाहिए। नारद मुनि बोले कि हे महामुने, पुरुषोत्तम नामक देवता कौन है, उनका क्या महात्म है और यह अद्भुत सा मुझे प्रतीत होता है, अतः आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री नारद जी का वचन सुनकर के नारायण ऋषि क्षण मात्र में पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगा करके बोले। श्री नारायण बोले कि पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम यानी नारायण प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले कि चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का जो मास है वह मैंने अभी तक नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपा निधे, यह आप कृपा करके मुझे अवश्य ही सुनाइए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित है प्रभो, कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या क्या साधन है और किस प्रकार इस मास में नियमों का पालन करना चाहिए, इस मास के विधान से कौन कौन से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इस मास में जो है भक्ति करने से, साधना करने से कौन कौन सा फल यानी प्रतिफल हमको प्राप्त होता है और इसके अतिरिक्त और जो भी कुछ तथ्य है, हे तपोधन, कृपा करके मुझे आप सुनाइए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे ही सद उपदेश प्रदान कर देते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित,
नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहना वाले, जड़ गुंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक पर स्त्रीगामी, नीच जर्जर दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनकी छीन हो गई है, कुरूपी रोगी कुष्ठी टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं अंग जिनके, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभो ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य वंध्या दोष अंगहीनता दुष्ट व्याधियां रक्त पित्त आदि मीर्गी राज यक्ष्मादि जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देख करके हे जगन्नाथ मैं बहुत दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्रह्मन मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से आप कृपा करके सुनाइए। हे प्रभो आप सर्वज्ञ है, आप तत्वज्ञ है, समस्त तत्वों के आयतन है। सूत जी महाराज बोले कि इस प्रकार नारद ऋषि के परोपकारी मधुर वचनों को सुन करके देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन में बोले। प्रत्येक राशि नक्षत्र चरण करण व चैत्रादि 12 मासों के स्वामी है, परंतु मल मास जिस महीने का कोई भी स्वामी नहीं है, इसलिए देव कार्य शुभ कार्य एवं पितृ कार्य इस माह में वर्जित माने गए हैं। इससे दुखी होकर के स्वयं मल मास अधिक मास बहुत नाराज व उदास रहा करता था, इसी कारण सभी ओर उसकी निंदा होने लगी। मल मास को सभी ने असहाय निंदक अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कह करके लज्जित किया, अतः लोगों की बुराई से चिंतातुर होकर के अपार दुख समुद्र में वह मलमास मग्न हो गया। वह कांतिहीन दुखों से युक्त निंदा से दुखी होकर के मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में जा पहुंचा और मलमास भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगा और उसने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि हे नाथ हे कृपा निधे मेरा नाम मलमास है, मैं सभी से तिरस्कृत होकर के यहाँ पर आया हूँ, सभी ने मुझे शुभ कार्य से वर्जित अनाथ और सदैव घृणा दृष्टि से देखा है, संसार में सभी क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रह करके आनंद मनाया करते हैं, मैं ही एक ऐसा अभागा हूं जिसका न कोई नाम है न कोई स्वामी है न कोई धर्म है न कोई आश्रम है न कोई कर्म है, इसलिए हे स्वामी अब मैं अपने प्राणों को त्याग करना चाहता हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा कह करके वह प्रभु के सामने शांत चित्त हो गया। तब भगवान विष्णु मल मास को लेकर के गोलोक धाम गए, वहां भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व वैजंती माला धारण करके स्वर्ण जनित आसन पर बैठे थे, गोपियों से घिरे हुए थे। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया और कहा कि यह मलमास वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्मों के लिए अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे हरि आप इसका हाथ पकड़ करके यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिस मलमास को स्वयं आपने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार कर लिया है, इसे मैं अपने समान ही रखूंगा तथा गुण कीर्ति ऐश्वर्य पराक्रम भक्तों को वरदान आदि मेरे समान सभी गुण इसमें विद्यमान होंगे और जितने भी गुण मेरे अंदर रहेंगे उतने सारे के सारे गुण इस मलमास के अंदर विद्यमान हो जाएंगे, उन सभी को मैं मलमास तुम्हें सौंप रहा हूं, इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास दे रहा हूं और आज से तुम्हारा नाम मलमास के अलावा पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा और साक्षात पुरुषोत्तम के स्वरूप तुम माने जाओगे और इसी नाम से तुम्हारा नाम पूरे संसार में जो है प्रसिद्ध होगा, यह मेरे ही सभी मासों का स्वामी होगा, अब से कोई भी मलमास की निंदा नहीं करेगा, मैं इस मास का स्वामी बन गया हूं जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं,
वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान पूजन अनुष्ठान व दान करने वाले को सरलता से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह मेरे ही समान सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य व नमस्कार करने योग्य होगा। इसकी पूजा करने वाले का जो है सभी संकट और कष्ट समाप्त हो जाएगा तथा उसके घर की गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। यह मेरे समान ही मनुष्यों को मुक्ति को प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निःसंशय मुझको प्राप्त होगा। तब साधनों को जो है सभी प्राप्त कर लेगा और समस्त इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाएगी। श्रेष्ठ तथा सब काम व अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य होगा। इस महीने में जो भी दान करेगा पुण्य करेगा नित्य स्नान करेगा उसका कोटि गुणा फल उसे प्राप्त हो जाएगा। और जो भी मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेगा और जो धर्म का आचरण नहीं करेगा वह नरकगामी हो जाएंगे। अतः इस मास में स्नान दान पूजा आदि का विशेष महत्व होगा। इसलिए हे रमापते आप पुरुषोत्तम मास को लेकर के वैकुंठ में आए हैं। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित होकर के मलमास प्रभु के साथ में आनंदित होकर के निवास करने लगा और भगवान के साथ में आनंद पूर्वक वह निवास करने लगा और भगवान ने उसको जो है स्वयं अपना रूप प्रदान कर दिया। तभी से इसका नाम पुरुषोत्तम नाम विख्यात हुआ। तभी से सभी लोग इसमें तप करते हैं दान करते हैं प्रातः जल्दी स्नान करते हैं पुण्य कर्म करते हैं और साक्षात नारायण का ही यह पुरुषोत्तम मास स्वरूप कहलाता है। जो भक्तजन इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम 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 राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। श्री यमने महारानी की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो भक्तजनों माताओं बहनों आपने अधिक मास के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति तथा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही प्रदान कर सकते हैं। तो भक्तजनों माताओं बहनों हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण सादर धन्यवाद।